एक माइटी पेन नाम का पोस्टर दिखाओ स्क्रीन के ऊपर। पेन का मतलब है सन। क्या मतलब है? जब हम सन सुनते हैं हमें लगता है ये बेटा है, लेकिन बेन जो है ये एक इब्रानी शब्द से लिया गया है। उस इब्रानी शब्द को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। इसको जूम करेंगे पहली लाइन को, लिखा ए सन एज ए बिल्डर ऑफ द फैमिली नेम। फैमिली नेम को बिल्ड करने वाला वो एक बहन भी हो सकती है। इसलिए मैंने कहा जब मैं सन कह रहा हूं तो उसका मतलब मेल नहीं, जेंट्स नहीं या मर्द नहीं। जब मैं सन्स कह रहा हूं उनमें आप भी आती हैं, क्योंकि ये जेंडर की बात नहीं हो रही कि मेल है कि फीमेल है। ये एज ए बिल्डर ऑफ द फैमिली नेम, जिसे हम बेन बोलते हैं, माइटी बेन, ऑल माइटी है हमारा परमेश्वर, माइटी है, शक्तिमान है उसके बच्चे, सर्वशक्तिमान है हमारा परमेश्वर। अब जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ रही हैं, चीजें बढ़ रही हैं, होता क्या है कि ब्रांचेस में जो काम हो रहे हैं हमें यहां से भेजना पड़ता है फाइनेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कामरा से पैसा जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का कुछ हो रहा है, कुछ ये काम हो रहा है, चर्च से पैसा जा रहा है। अब माइटी बेन का मतलब वो लोग, वो सन्स, वो बेटे और बेटियां जो चर्च की फाइनेंशियली मदद करेंगे 2023 में। और जितना फाइनेंस माइटी बेन और इनके साथ हर महीने एक मीटिंग होगी, इसमें 1,50,000 का सीड होगा, जिससे ज्यादा का भी सीड होगा। जो लोग उस बीज को बोएंगे उनका दो फायदे हैं। पहला, मुझे ये नहीं मालूम कि ब्रांचेस में जो लोग हैं जिनको मैं काम दे सकूं, कि ये ब्रांच है ठीक है, आप खामरा से पैसा मत लीजिए, आप अपनी ही ऑफरिंग को यूज करके अपनी चर्च को बनाइए और उसके बाद दूसरी ब्रांचेस को हेल्प कीजिए ग्रो करने में, बढ़ने में, जगह लेने में। तो मुझे ये नहीं मालूम मैं किन लोगों को ड्यूटी दूं। तो ये परमेश्वर ने मुझे नाम दिया था कुछ दिन पहले, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कितने साल से मैंने आपसे कोई बीज की बात नहीं की। मुझे नहीं अगुवाई हुई, मैंने नहीं की। चर्चिस किराए पे मिलती जा रही थी, मैं लेता जा रहा था। साउंड भी किराए पे, एलईडी भी किराए पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब आपको ये विजन मेरे साथ उठाना पड़ेगा। जब इस चर्च में बहुत नक्के पे बात आती थी कि अब रजिस्ट्री होने वाली या कुछ काम होने वाला है, अब बीज चाहिए, तो आपको व्हाइट येलो पेपर दिया जाता था कि अब बीज बोने का टाइम आ गया, बोना ही पड़ेगा, और कोई हल नहीं है हमारे पास, तो फिर वो आपको दिए जाते थे, अदरवाइज नहीं। अब कितने साल से आपने बीज नहीं बोया मुझे नहीं मालूम, मैंने मांगा नहीं, आपने बोया नहीं। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही। अब जो चर्च की ऑफरिंग है उससे कंस्ट्रक्शन होती है और कोई काम नहीं होता अभी। लेकिन जो माइटी बेन के नीचे लोग अपने बीजों को बोएंगे, फोन नंबर्स वहां लिखे हैं, टेबल आगे लग जाएंगे, मीटिंग के बाद आप आगे आएंगे, अपने नामों को लिखाएंगे। हर महीने हर ब्रांच में एक काउंसलिंग टीम को तैयार किया गया जो उन लोगों से मिलेगी, और उसके बाद जो बीजों को बोएंगे एक बार मैं उनसे मीटिंग करूंगा, और उनको उनके साथ एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जो आने वाले समय में कुछ जिम्मेवारियां ले सकें, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बहुत सारी ब्रांचेस में। अगर खामरा में बीजों को बोया गया तो खामरा में, बाकी अगर अदर ब्रांचेस में बोया गया अदर ब्रांचेस में, और मंथली एक मीटिंग उन माइटी बेन के लोगों के साथ मैं किया करूंगा। अब आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अब चर्च में जो रेंटेड प्लेस लेने का काम था अब वो उस स्पीड से नहीं हो रहा, उसमें दिक्कतें हैं अभी। लेकिन खुदावंद दिक्कतों को खत्म करेगा, फिनिश करेगा। 2023 में जो मेजर ब्रांचेस होंगे, जो मेरे हार्ट में हैं, मेरे गर्भ में पल रहे हैं, उनको जन्म देना है।